हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द वजाइनल इन्फेक्शन वजाइनल इन्फेक्शन की जिसको हम कहते हैं योनी में इन्फेक्शन या फिर जो योनी मार्ग का के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली महिलाओं के अंदर तो वो होने के जो हम रीज़न्स कहें वो होने के रीजंस कि जो कोजिज हम कहते हैं उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से ये वजेनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की जाती है और व्हाट आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट द वजेनल इन्फेक्शन उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असटेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बींग ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए और अगर आपके पास एप्पल आई फोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो सबसे पहले आ, सवाल ये है कि वॉट इज अ वजाइनल इन्फेक्शन कि जो यूनिमार्क का जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले तो है क्या तो जो सबसे पहले हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हम देखें जिसके अंदर यहाँ पे जो वजाइना की जिसको हम मार्क कहते हैं फिर सर्विक्स का पोर्सन फिर अंदर की ओर यूटेरस ओवेरी और ये है फेलोपियन ट्यूब तो उसके अंदर जो स्पेशली जो ये वज़ाइना का जो पोर्सन है वहाँ पे अलग अलग रीजन्स के कारण होता है इन्फेक्शन की, जिसको हम कहते हैं मार्क का इन्फेक्सन तो जो वज़ाइनल इन्फेक्शन है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना इचिंग और सोर्नेस इन वजाइना तो यहाँ पर हम कंडीसन uh, देखें तो जब वजाइनल uh, इन्फेक्शन होता है तो एक तो इन्फ्लेमेशन होता है कि जो वजाइनल रूट है जो जो हम कहें या फिर जो वजाइनल ट्रैक है पूरा तो वहाँ पर होता है इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन के साथ हम देखें तो पेशेंट को इचिंग भी होती है वो रीजन के अंदर वज़ाइना के अंदर या फिर उसके बाहर के पोर्शन में भी पेशेंट को इचिंग होता है खुजली आती है सॉर्नेस हो जाता है और कई बार हमें इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है तो शुरुआत में जो है वो इचिंग से शुरुआत होती है इन्फेक्शन के सबसे पहले इचिंग जैसा होता है उसके बाद सोरनेस एंड आफ्टर दैट समझे कि आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है और और भी आप समझे कि उसकी केयर ना रहे तो आगे जाके जो आ, अलग अलग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं यूरेटर में भी इन्फेक्शन हो सकता है यूटेरस में भी इन्फेक्शन हो सकता है ओवेरीज है फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो सब लेयर भी आगे जाके उसके इन्फेक्टेड uh, हो सकते हैं तो शुरुआत से ही समझो कि आप वजाइनल इन्फेक्शन को ही क्योर कर दें तो आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो वजाइनल इन्फेक्शन कैन बी कोज बाय बैक्टीरिया फंगई पैरासाइट्स और वायरसेस ग्रोविंग इन एंड अराउंड योर वुल्वा एंड वजाइना कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हम कहे तो वो ऑर्गन्स के आसपास और स्पेशली जो वजाइना के आसपास या वजाइना के अंदर जब कोई बैक्टीरिया है फंगाई है पैरासाइट या फिर वायरस वगैरह की जब ग्रोथ होती है कि वजाइना के अंदर इन और अराउंड द वजाइना इन्फेक्शन ऑफ योर वजाइना एंड वुलवा कैन कोज द सिम्टम्स सच एज सॉर्नेस एंड इचिनेस अराउंड योर वुल्वा एंड वजाइना एंड अनयूजल वजाइनल डिस्चार्ज कि अनयूजल वजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है कि जो हम कहते हैं कि वजाइना में से जो वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर वाटरी फ्लूड बाहर निकलता है तो वो कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है इन वजाइनल इन्फेक्शन तो ये पॉइंट के इन्फ्लेमेशन भी होता है इचिंग एंड सॉर्नेस जो होती है वजाइना और उसके आसपास के रीजन में वो हम कहते हैं वजाइनल इन्फेक्शन तो उसके हम कोजेस देखें तो बैक्टीरिया कैन कोज बैक्टीरियल वजाइनोसिस कि बैक्टीरिया के कारण जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसका जो नाम हम कहें तो डैट इज बैक्टीरियल वजाइनोसिस उसके बाद जो फंगाई की कैंडिडा की जो स्पीसीज़ होती है और जो यीस्ट होती है उसके कारण भी इन्फेक्शन होता है फिर मोनिलियल वजाइनाइटिस जो हम कहते हैं देन पैरेसाइट्स की जो ट्राइकोमोनास वज़ाइनल के कारण कि जो ट्राइकोमोनियासिस की जो हम बात करते हैं कि वो भी एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन की जो पैरासाइट्स के कारण होता है स्पेशली उसके बाद वायरस एंड हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की जिसको हम कहते हैं एच एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एच तो ये सब कोजेस बनते कि ये तो स्पेशली हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर तो इंक्लूड करते कि जो एस टी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बट और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो हम कहें कि जो स्पेशली सबसे पहले तो अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फेक्ट करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ओर और फीमेल के अंदर देखें तो स्पेशली जो वजैना का पुरुषन है तो ये सब है उसके कोजिज़ फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम समझे तो ये सब जो बैक्टेरिया या फिर फंगाई पैरासाइट्स पर्सन टू पर्सन जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण फैल सकते हैं एज वेल एज़ आप समझो कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते पर्सनल हाइजीन आपका अच्छा नहीं है और समझो कि आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट आप समझो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से वॉश नहीं करते क्लीन नहीं करते इवन ड्यूरिंग द बाथिंग भी आप समझो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह अच्छे से वॉश नहीं करते क्लीन नहीं करते तो उसके कारण भी ये सब इन्फेक्शन हो सकते हैं तो प्रिवेंशन में हम देखें तो अच्छे से इस टाइप के जो अलग अलग बैक्टीरियाज है समझो फंगाई है पैरासाइट है वायरसेस का जो इन्फेक्शन से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं उससे ये इन्फेक्सन से बच सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज व्हाइट डिस्चार्ज की जो यहां पे हम देख सकते हैं हियर कि इस टाइप का जो व्हाइट डिस्चार्ज जो है किस टाइप का वाइट डिस्चार्ज जैसा व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है कि यहां पे जो हम दिखाई दे रहे हो और ये काफी बदबूदार रहता है कि जिसकी जो स्मेल है फीसी स्मेलिंग डिस्चार्ज भी कहा जाता है फ्रॉम वजैना दैट लुक्स लाइक्स थीनर वाइट ग्रीन और येलो फीसी स्मेलिंग डिस्चार्ज की जो काफ़ी बदबू बदबूदार रहता है ये डिस्चार्ज और जिसके कारण जो है वो इरीटेसन्स होते हैं एज वेल well एज इचिंग भी होती है सॉर्नेस हो जाता है और आगे जाके इन्फ्लेमेशन भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो इचिनेस और सॉर्नेस इन और अराउंड द वज़ाइना एंड रेडनेस इन वजाइना कि कई बार रेडनेस जैसा भी हो जाता है इन और आउटसाइड द वजाइना इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ वजाइना कि वजाइना की जो इनर लाइनिंग है या फिर वहाँ का जो मेम्ब्रेन है उसका हो जाता है इनफ्लामेशन फिर पेन वेन यू हैव ए सेक्स कि जब आप इंटर करते हैं तो उस वक्त जो है वो पेन होता है यूरिनेशन भी पेनफुल हो जाता है एंड पेन इन योर लोअर एब्डोमिन और पैलविस और ये जो इन्फेक्शन के कारण आगे जाके जो है वो पेशेंट को हो सकता है पैलविस uh, पेन होता है एज वेल एज़ लोअर एब्डोमिन जो हम कहते हैं वहाँ पे पेन या फिर क्रैम्प्स हो सकते हैं यूरिनेशन के दौरान पेनफुल रहता है वाइट डिस्चार्ज कि ये उसका कॉमन जो है वो सिम्टम रहता है कि जितने भी वजेनल इन्फेक्शन के बैक्टीरिया के कारण हो वायरस से फंगाई या फिर पैरिसट्स के कारण होता हो तो वाइट डिस्चार्ज और वो डिस्चार्ज में फीसी स्मेलिंग डिस्चार्ज रहता है इचीनेस रहती है एंड सॉर्नेस ये उसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं एंड आगे जाके जब आप ट्रीट ना करो उसको तो इन्फ्लामेशन भी हो सकती है तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन अब हम बात करें डायग्नोसिस की तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना कि सबसे पहले जो भी डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले जरूरी है कि वजाइना को अंदर से इन और आउट दोनों तौर से फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है देन साइन एंड सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस भी यहाँ पे होती कि कौन से सिम्टम्स है कौन से साइन है वो जब पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं तो उस वक्त साइन एंड सिम्टम्स भी पूछना ज़रूरी है कि जिससे डायग्नोसिस हो सके और उसके बाद सैंपल कलेक्शन ऑफ डिस्चार्ज सैंपल ऑफ डिस्चार्ज सेल्स फ्रॉम वजैना यूजिंग स्मॉल राउंड कॉटन बर्ड्स की यहाँ पे देखिए कि ये आगे की ओर जो है वो उसको हम कहते हैं कॉटन कॉटन बर्ड है वो ये है उसकी लॉन्ग जो पाइप जैसा है और इसको हम कहते हैं स्वेब तो ये स्वेब को यूज करके जो है डिस्चार्ज जो है वो कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे इसके अंदर सैंपल को अच्छे से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाते हैं और आगे उसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी के अंदर अच्छे से एग्जामिन किया जाता है स्टडी किया जाता है टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज़म कि इधर जो हमने देखा कि चार माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है तो एक तो वायरस के कारण हुआ है या नहीं फिर कोई बैक्टीरिया है या नहीं फंगाई या फिर जो हम कहें कि पैरासाइट से तो अंडर द माइक्रोस्कोप आपको इसमें से जो भी कोई आपको देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग टू आप फर्दर कंफर्मेशन करते हैं वजेनल इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न कि वो वायरस से हुआ है बैक्टीरिया से हुआ है फंगाई से हुआ है या फिर पैरासाइट तो और उसके अकॉर्डिंग टू आगे आप तो उसके ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं और जरूरत पड़े तो पेशेंट के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी किए जाते हैं तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि समझो कि ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और यूरिन टेस्ट सो दिज आर द डायग्नोसिस फीचर्स ऑफ ए वजाइनल इन्फेक्शन अब हम बात करें उसके ट्रीटमेंट की तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस बिकॉज एंटीबायोटिक इसलिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला इन्फेक्शन है तो जो एंटीबायोटिक्स हम देखें तो उसके अंदर जब पेशेंट को ही लेने हैं टेकन बाय माउथ कि मैट्रोनिडाजॉल है डीनिडाज़ोल है वो सब के जो टैबलेट्स वगैरह है वो पेशेंट ही लेता है और दूसरा जो ऑप्शन है वो है वज़ाइनल टैबलेट्स और वजाइनल पेसरीज़ ऑफ क्लोट्राइमाज फिर बिटाडिन वजाइनल पेसरीज़ भी उसके अंदर एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि बिटाडिन के जो वजाइनल पेसरीज़ वगैरह अवेलेबल होती है कि जो हम कहते हैं पोविडॉन आयोडिन जिसके अंदर मेन ड्रग है वजाइनल पेसरीज़ ऑफ बिटाडिन उसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं वजाइनल पेस्टरीज ऑफ बिटाडिन फिर वजाइनल टैबलेट्स होती है एंड मैट्रोनिडाजाजोल जैसे मेडिकेशंस पेशेंट को ओरली दिए जाती है वो टैबलेट्स तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस यहाँ पे मेन बिकॉज यहाँ पे जो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर फंगा या फिर पैरासाइट से उनको आपकी बॉडी में से एक्सपेल आउट करवाने के लिए सबसे पहले उनकी ग्रोथ इनहिबिट करवा देने के लिए उनको कील करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में समझो कि जो सिम्टम्स बेज हम बात करें कि पेशेंट को काफ़ी एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है तो उस वक्त उसको आप डाईसाइक्लोमिन भी दे सकते हैं एज वेल well एज़ इचिनेस है तो इचिनेस वगैरह के दौरान बिटाडिन की जो वजाइनल पेस्ट्रीज या फिर उसकी जो क्रीम्स आती है वो भी पेशेंट जो है वो वज़ाइना के आसपास भी लगा सकता है तो यहाँ पे जो बात है कि ड्रग्स विच आर यूज ओरली तो ओरल यूज होने वाले मेडिकेशंस के अंदर हम देखें तो मेट्रोनिडाज़ोल की जो टैबलेट्स की 400 सौ की स्ट्रेंथ में जो अवेलेबल है वो भी हम दे सकते हैं फिर टीनिडाज़ोल के टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजली 500 हंड्रेड एम की टैबलेट आती है सेक्नीडाजॉल की जो 1000 थाउजेंड एम जी दैट मीन्स वन ग्राम के टैबलेट्स रहते हैं एंड निमोराजोल ये जो जोल वाले जो मेडिसिन है कि ये जो याद रखनी है आपको मेट्रोनिडाजोल टीनिडाजॉल सेक्नीडाज एंड निमोराजोल अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करें कि कोई फंगल के कारण भी हो रहा है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल एक और मेडिकेशंस ओरली टैबलेट्स में ऐड कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल के टैबलेट्स की जो यूज होती है ओरली ये मेडिकेशंस बिकॉज यहाँ पे जब वजाइनल मेडिकेशंस होती है तो वहाँ पे खास लिखना जरूरी होता है कि ओरली लेना है या फिर वजाइनली उसको पेस्ट्रीज या फिर सपोजिटरीज की तरह इंसर्ट करना है तो ये चीज़ अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पेशेंट का अच्छे से काउंसलिंग करते हैं मेडिकेशंस देते हैं तो उस वक्त ये पॉइंट ख़ास लेबल करके लिखना जरूरी है कि यहाँ पे भी आप ऊपर लिख सकते हैं कि ओरली या फिर टेक बाय माउथ ये ख़ास आपको अच्छे से फ़ार्मासिस्ट को ये लेबल करके देना चाहिए बिकॉज कई बार जो है कि वजाइनल भी टेबलेट्स भी दी है और ये टेबलेट्स भी दी है तो उस वक्त पेशेंट जो है वो कई बार कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं प्रॉपर लेबलिंग ना हो तो, तो अच्छे से लेबल करके ही पेशेंट को जो है वो देना होता है फ़ार्मासिस्ट को एज़ वेल एज़ उनको अच्छे से समझाना होता है आगे बात करें कि ड्रग यूज़ इंट्रा वजाइनली इंट्रावज़ाइनली मतलब कि यहाँ पे जो लेबलिंग जरूरी है कि फॉर वजाइनल यूज ओनली कि फॉर वजाइनल यूज़ ओनली तो ये उसका बन जाएगा मेन प्रॉपर लेबलिंग के इंट्रावज़ाइनली लेना है तो ये मेडिकेशंस कभी भी जो है वो ओरली लेने नहीं होती डायरेक्टली ये वज़ाइनली ही यूज़ करनी होती है कि वज़ाइना के अंदर उसको इंसर्ट करना होता है और जब तक उसके मेडिकेशंस रिलीज ना हो तब तक वो वज़ैनली ही आपको इंसर्ट करते रहना है एंड जो यूजली रात को सोते समय ही ये वज़ाइनल टैबलेट्स जो है वो इंसर्ट की जाती है और मॉर्निंग तक वो अच्छे से डिजोल हो जाती है बॉडी टेम्परेचर पे ही टैबलेट्स या फिर जो हम पेस्ट्रीज़ का है या फिर सपोजिटरी पेशेंट की जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है और उसके जो मेडिकेशन से वो वहाँ पे रिलीज होके उसको जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी एज़ वेल एज़ जो पेशेंट को रिलीफ जो मिलती है कि पेन में से रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है एज़ वेल एज़ जो हम बात करें कि इचिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और जो उसके सिम्टम थे कि वाइट डिस्चार्ज वो सब भी धीमे धीरे धीरे काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं और कम्प्लीटली वजाइनल इन्फेक्शन क्योर हो जाता है तो यहाँ पे जो पॉपुलर मेडिकेसनस एक है वो है डाय हाइड्रोक्सी क्वीन तो ये जो वज़ाई सिन करके जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं निस्टाइटिन है, है क्लोरामफेनिकॉल है और डाय हाइड्रोक्सी क्वीन हंड्रेड एम प्रेजेंट है और वो यूज होता है बैक्टीरियल वजाइनाइटिस के लिए ट्राइकोमोनियासिस कैंडिडासिस एंड सम अदर वजाइनल माइकोसिस माइकोटिक इन्फेक्शन के जितने भी वजाइनल इन्फेक्शन है सभी के अंदर ये काफ़ी पावरफुल रहता है फिर आ, क्विनी आइडोक्लोर जो हम देखें वो भी यूज होता है हेमाइसिन है, है क्लोट्राइमाजोल के जो वजाइनल टैबलेट्स एंड उसके पेसरीज एंड सपोजिटरीज भी होती है एंड नाटामाइसिन तो ये पॉपुलर मेडिकेशन की जो इंट्रा कि जिनकी रहती है वजाइनल जो है वो टैबलेट रहेगी वज़ाइनल जो है वो सपोजिटरीज़ भी रहती है एज वेल एज उसके सपोजिटरीज़ की जैसी ही पेसरीज भी अवेलेबल होती है तो नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है पोविडोन आयोडीन की जो आगे भी मैंने आपको बताया था कि जो बीटाडिन का जो प्रोडक्ट है बीटाडिन वजाइनल पेसरीस एज वेल well एज हम देखें तो क्लिंडामाइसिन के क्रीम और जेल कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के जेल या फिर उसकी क्रीम भी आती है तो क्लिंडा माइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल तो ये जेल जो है वो आपको वजाइना के आसपास या फिर उसके इनर लाइनिंग्स के आसपास केयरफुली अप्लाई करनी होती है या फिर जब आउटसाइड काफ़ी इचिंग हो रही है आउटसाइड के एरिया में inflammation जैसे आपको देखने को मिल रहा है तो उस वक्त ये जो क्लिंडामाइसिन जो क्रीम है वो हम लिखे तो फॉर एक्सटर्नल यूज़ only रहेगा कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ only कि क्लिंडामाइसिन की जो डायरेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन अवॉइड द कांटेक्ट विथ आईज माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन तो ये जरूरी है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ही आप कि जब ये क्रीम कब लगाई जाती है कि जब आप पेशेंट को हो रहा है ईचिंग ईचिंग है सॉर्नेस है आउटसाइड द वजाइना कि वज़ाइनल का जो एंट्रेंस हम कहे कि आउटसाइड जो उसका जो ओपनिंग कहे तो वहाँ पे समझो कि आप उसका पेशेंट को इचिंग हो रही है काफ़ी सॉर्नेस हो रहा है तो उससे रिलीफ लेने के लिए ये क्रीम जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है तो ये समझिए और पोविडन आयोडिन की जो वजाइनल पेसरीज़ है वो तो आप वजाइनल टैबलेट या फिर सपोज की तरह इंसर्ट करते हैं पर ये जो क्रीम और जेल है वो जो है वो आप सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करिए और वो भी की फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वजैनल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के अलग अलग मेडिकेशंस के बारे में सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए वैल्यूएबल कॉमेंट्स करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल्सो ज्वाइन इन व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट